किचन में माइक्रोवेव का पोजीशन बहुतों के लिए शायद ज्यादा मायने नहीं रखता होगा, लेकिन छोटे किचन के लिए इट कैन बी ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अगर आपका किचन बड़ा है तो आपके पास एम्पल स्पेस है और माइक्रोवेव के प्लेसमेंट को लेकर ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका किचन इस तरह का सिंगल काउंटर टॉप वाला या फिर इस तरह से एल शेप्ड या फिर इस तरह से पैरेलल काउंटर टॉप वाला है, यानी कि किचन थोड़ा सा छोटा है, तो थोड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी कि माइक्रोवेव अवन कहाँ रखा जाए। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज मैं शेयर करूंगी कि इस तरह के किचन में, जैसा कि मेरा है, और भी अलग अलग तरह के किचन्स में माइक्रोवेव को कहाँ और कैसे रखा जाए। साथ ही ये भी बताऊंगी कि माइक्रोवेव का पोजीशन निश्चित करने से पहले किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप नया किचन डिजाइन करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं काफी इनोवेटिव आइडियाज भी शेयर करूंगी जो कि आपके काम आ सकेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं, पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग अपने खुद के आइडियाज भी मुझसे साझा करते हैं, जिससे कि मुझे अपने आप को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले बात करूंगी सिंगल प्लेटफॉर्म वाले किचन की। अगर आपके किचन में इस तरह का सिंगल प्लेटफॉर्म है और आपके पास कुकिंग रेंज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप रेंज के नीचे अपना माइक्रोवेव अवन रख सकती हैं। नहीं तो आप किचन के एंट्रेंस पे इस तरह का एक यूनिट लगवा सकती हैं जहाँ की आप माइक्रोवेव अवन बड़े ही आसानी से रख सकती हैं। इस तरह का पुल आउट ड्रॉअर फीचर के साथ ये सेटअप एक छोटे किचन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बहुत ही कॉम्पैक्ट सेटअप है और किचन स्पेस को मैक्सिमाइज करता है। अब एल शेप्ड किचन में माइक्रोवेव अवन कहाँ रख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो एल शेप्ड किचन में या तो आप इस तरह का वॉल माउंटेड शेल्फ लगाकर उसके ऊपर अवन रख सकते हैं, या फिर आप कुकिंग काउंटर टॉप पे ही यहाँ कॉर्नर में अवन रख सकते हैं। बिल्कुल फोकल पॉइंट पोजिशन होता है ये। किचन में घुसते के साथ ही सुंदर सा माइक्रोवेव अवन सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बस ध्यान रहे कि गैस स्टोव अवन से थोड़ा दूर रखिएगा। या फिर अगर आइलैंड किचन है तो आप आइलैंड के ऊपर वाले दीवार पे भी अवन इंस्टॉल करा सकते हैं। या फिर इस तरह के मेटालिक शटर वाले कैबिनेट्स भी लगवा कर उसमें भी माइक्रोवेव अवन रखा जा सकता है। या फिर इस तरह के जो थोड़े से एक्रिलिक वाले शटर्स आते हैं वो भी आप लगवा सकते हैं। ये थोड़ा एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है, देखने में नीट लगता है और किचन को एक नया लुक भी देता है। यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि मैं अपने चैनल पे बहुत ही इजी सिंपल, जो कि हर कोई बना सके, वैसे रेसिपीज भी अपलोड करती हूँ जिसमें कि ज्यादा तामझाम ना हो, शॉर्ट्स के रूप में। शॉर्ट्स सिर्फ एक मिनट का होता है तो आपको ज्यादा समय जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक मिनट में आपको बहुत ही आसान सरल रेसिपीज देखने को मिलेंगी जिसे आप जब चाहें तब ट्राई कर सकती हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और यही रेसिपीज मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी अपलोड करती हूँ बेहतरीन सुरीले गानों के साथ, तो यू विल एंजॉय ऑल द मोर विद द सॉन्ग्स। सो डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अब बात करूंगी पैरेलल काउंटर टॉप वाले किचन की, जो कि है मेरा किचन। जी हाँ, इस किचन को हमने काफ़ी सूझबूझ और प्लानिंग के साथ डिज़ाइन किया है, लेकिन फिर भी कुछ त्रुटियां ज़रूर रह गई हैं जो कि यूज़ करते करते और रहते रहते समझ में आती हैं।
तो उन त्रुटियों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लें, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मैंने अपने माइक्रोवेव को यहाँ प्लेस किया है और अब बताती हूँ कि माइक्रोवेव का जगह निश्चित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि इसे जहाँ भी आप रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ की इसके अगल बगल या फिर ऊपर और नीचे काफ़ी स्पेस हो, क्योंकि इसके इस तरह के वेंट्स दिए रहते हैं ऊपर और साइड में। तो इस तरह से अगर खाली स्पेस मिलता है तो माइक्रोवेव अच्छे से ब्रीद कर सकता है और अच्छे से फंक्शन कर सकता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। और इस तरफ कोई भी वेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा दीवार से सटा कर रखा है। और चूंकि ये अच्छे से ब्रीद कर सके, मैंने इसके ऊपर कोई भी कवर नहीं रखा है। मैंने इस तरह का एक शेल्फ लिया है अमेज़न से ऑनलाइन, और उसको मैंने इस कवर से कवर किया है, और अब इसके ऊपर मैं कोई भी सामान रख सकती हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव और कैबिनेट के बीच में ये काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो इसको इस शेल्फ की वजह से मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाती हूँ। दूसरी बात, माइक्रोवेव जब भी आप रखें तो अपने वेस्ट के हाइट के लेवल पे रखें, ना तो ज़्यादा नीचे ताकि आपको झुककर चीज़ों को निकालना पड़े, और ना ही ज़्यादा ऊपर ताकि आपको बहुत ज़्यादा ऊंचा उठने की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल लेवल में रखें तो आप बहुत ही आसानी से माइक्रोवेव को ऑपरेट कर पाएंगी। तीसरी बात ये कि माइक्रोवेव ओवन का जो डोर होता है वो राइट टू लेफ्ट खुलता है, या फिर किसी किसी मॉडल में ऊपर से नीचे की ओर खुलता है। तो माइक्रोवेव आप जहाँ भी रखें, ये ध्यान ज़रूर दें कि उसके सामने इस तरह का थोड़ा सा भी जगह ज़रूर हो, ताकि वो डोर बाय चांस अगर कोई बच्चे यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी वजह से भी उस पर थोड़ा सा भी लोड पड़ता है तो टूटने का डर नहीं रहे। उसके लिए इस तरह का एक सपोर्ट रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और प्लस यहाँ से आप अगर कुछ निकालती हैं या फिर यहाँ कुछ रखती हैं तो इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि माइक्रोवेव ओवन को गैस स्टोव से थोड़ा दूर रखना चाहिए, इसलिए मैंने अपने कुकिंग काउंटर टॉप के ऑपोजिट वाले काउंटर टॉप पे माइक्रोवेव ओवन रखा है। अगर गैस स्टोव के बगल में रखती हूँ तो खाना बनाते वक्त तेल मसाले के छींटे इस पर पड़ सकते हैं और चिकनाई जम सकती है, और खाना बनाने के दौरान गैस स्टोव की गर्मी से माइक्रोवेव को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। और मैंने फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन के बीच भी थोड़ा सा गैप रखा है। ये छोटी छोटी बातें ही किसी भी होम अप्लायंसेस की लाइफ को बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। छोटे से किचन में एज इट इज़ जगह कम होती है, तो माइक्रोवेव को ऐसी जगह रखा जाए ताकि कोई हिंड्रेंस ना हो, चलने फिरने में परेशानी ना हो और हम अपना काम कन्वीनियंटली कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली, और उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल और यूजफुल लगा होगा। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।